महेंद्रगढ़ जिले में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में दो सगे भाइयों सहित छह छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना जैसे ही परिजनों तक पहुंची तो मातम पसर गया। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों में चार बच्चे गांव झाड़ली के और दो बच्चे गांव धनौंदा के रहने वाले थे, जिनका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इस मामले में पुलिस के द्वारा बस चालक धर्मेंद्रवासी सहलंग को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद टीमों ने छापामारी करते हुए स्कूल प्रिंसिपल दीप्तिवासी कनीना को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपित होशियार सिंहवासी कनीना स्कूल के सचिव को भी गिरफ्तार किया है। वहीं परिजनों में हादसे के बाद रोष बना हुआ है और स्कूल प्रशासन को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किस तरह से क्या हादसा हुआ है और आप क्या कहेंगे प्रशासन? सारी लापरवाही सकूल वाला की है और सकूल वाला ने जी जग ऊपर कति ध्यान नहीं देवी। फीस दो दो तीन तीन लाख रुपए भी कर सकी है पर बालका सुरक्षा के ऊपर कोई कहीं को ध्यान कर। एक दिहाड़ी वाला मजदूर की आज दिहाड़ी देखा तो 800 रुपया हो रही हुई तो 24,000 रुपया महीना का बनी है और पुलिस स्कूल की बसा का ड्राइवर 8-9,000 रुपये में काम कर रहे हैं। वे कौन ही सारा दारू खोरा जै को घर ने काम चाल जा है काम नहीं चलाना उन सिर्फ घर अपनी दारू खर्चों का 8-7,000 रुपया आ जाओ। कहीं दूर अभी आस पास लगभग घना है स्कूल से कहीं दो चार ड्राइवर आगे मैं कहूँ को ना बाकी कहीं भी ड्राइवर दूर अभी लाइसेंस नहीं मिला को। बस यही कहना चाहूंगा कि अपनो काम करा पुलिस और सख्त सख्त कार्रवाई रहे। और तो टाइम कौन सी क्लास में था किस तरह से अब 8th का एग्जाम दिया था 9th क्लास में उसको एडमिशन हो गया तो कुछ टाइम से जाने लग गए थे। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? 14 साल का लगभग होगी 13-14। क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि पहले भी नशे की हालत में बस चालक को देखा गया हो और उसको पहले हाँ, भी गया पहला देखो गए हादसों नहीं हुए इसलिए कहीं कहीं ध्यान में नहीं गई और ही होगी तो आसपास पास जाएगा में नहीं लगभग 3-4 गांव सी जन में ही और भी जाओ कदम आ गए उत भी दो दो तीन तीन बारह चार चार बारह गांव गए और ऐसी और भी ऐसा घना है गांव सी जन में मारो गांव भी सो है भी फिलहाल जब दो चार बालक और भी ऐसा है जो सीरियस सी घनी बुरी हालत हो रही उनकी। अगर कभी भी किसी भी चीज को लेकर के आप स्कूल में शिकायत करते थे तो स्कूल उस बात को किस तरीके से लेता था कितनी गंभीरता से लेता था? फिलहाल तो इसी कोई दिक्कत आई नहीं थी नहीं थी ना भाई। पढ़ाई लिखाई में बड़ा सारा बढ़िया था तो इसी कोई दिक्कत आई को नहीं। आपका क्या नाम है? माँ बाप का इतना टाइम कहाँ रहता है कि जाकर? मेरा नाम सुधीर है धनुंदा गांव को मेरा लड़का होता है वो हम सब हम सबको यही दिन तक लेगी घर बंद होगा जी बताओ